कुछ तो ऐसा आपने लिया है जो आपने या तो डर के मारे लिया हो या आपने प्रेशर में आके मारे लिया हो। अब मैं क्लियरली इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि सेंसरशिप इस लेवल की चल रही है, अगर मैं क्लियरली बोल दूंगा तो ये वीडियो सेंसर हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। मानी पद में हम, ओम 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 मानी पद में। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पुनिया आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे राइजिंग केसेस ऑफ हार्ट अटैक्स। आजकल न्यूज में आपने ये बहुत सुनने में मिल रहा होगा, आपको ऐसी न्यूज बहुत ज्यादा आ रही है कि हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, न्यूरल डिसऑर्डर और इस टाइप के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं पिछले आने वाले 2 सालों में। तो न्यूज में अलग 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 कारण मिलते हैं इसके। कोई कहता है कि भाई एक्सट्रीम ठंड पड़ रही है इस वजह से केसेस बढ़ रहे हैं, कोई कह रहा है जी सीवी के साइड इफेक्ट हैं, ये जो वायरस आया था उसके साइड इफेक्ट हैं कि उससे हार्ट अटैक हो रही है, ठीक है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मैं जो कह रहा हूँ वो भी सुन लो। पिछले 2 साल में ऐसा कुछ डिफरेंट क्या हमने अपनी बॉडी के अंदर लिया है जो इन हार्ट अटैक्स के राइजिंग केसेस का प्राइम कारण है? हिंट दे रहा हूं आपको, कुछ तो ऐसा आपने लिया है जो आपने या तो डर के मारे लिया हो या आपने प्रेशर में आके मारे लिया हो या आपको किसी ने आके स्क्रीन पे बोला हो कि ये तो करना ही करना पड़ेगा, इसके बिना तो कोई बचाव नहीं है। तो मुझे लगता है वही प्राइम कारण है जिससे ये हार्ट अटैक के केसेस पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं। अब मैं क्लियरली इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि सेंसरशिप इस लेवल की चल रही है, अगर मैं क्लियरली बोल दूंगा तो ये वीडियो सेंसर हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। मेरी पहले भी बहुत सी वीडियो डिलीट हो चुकी है, काफी टाइम के लिए मेरा चैनल भी शट डाउन रहा है इसी कारण की वजह से। हालांकि मेरा चैनल अब दोबारा से एक्टिव हो गया है, बचा हुआ है, तो मैं क्लियरली डायरेक्ट शब्दों में ये बातें नहीं कहूंगा, मैं घुमा फिरा के ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने क्लियरली इसके खिलाफ आवाज उठाई है, उनके चैनल को शट डाउन करके उनको घर बैठा दिया है, उनको फ्रॉड घोषित कर दिया है। कि जो नरेटिव दिया गया है उसके खिलाफ अगर कोई भी कुछ बोलेगा, उससे अलग कोई भी कुछ बोलेगा तो उसकी आवाज को दबाने का काम जोर शोरों से चल रहा है। लेकिन इस बात को याद रखना, सत्य कभी डूबता नहीं है, वो कुछ टाइम के लिए दब सकता है लेकिन परमानेंटली वो नीचे नहीं रहता है, वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ ही जाता है क्योंकि सत्य के साथ परमेश्वर खुद स्वयं खड़े होते हैं। तो मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी आपको बताया था कि जो सीवी आपको बॉडी के अंदर डालने के लिए बोला गया है वो ना लें, और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 1 से 2 डोज पे आके रुक जाएंगे, ये कुछ ऐसा प्लान लेके आना चाहते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम लेके आना चाहते हैं जिससे टाइम टू टाइम आप इसको अपनी बॉडी में इंजेक्ट करें, हर 6 महीने, हर साल एटलीस्ट 1 साल के अंदर आप इसको अपनी बॉडी में इंजेक्ट करें। और ऐसा भी है कि अगर आप इसको 1 साल तक अपनी बॉडी में नहीं डालते हैं, जिनको 1 साल हो गया, उसकी बॉडी के अंदर से इसके साइड इफेक्ट्स और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट जो आपकी बॉडी में पड़ना था वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। इसमें एक ऐसा में बहुत सारे हैवी मेटल्स हैं, हैवी केमिकल्स हैं जो पता नहीं आपकी बॉडी के साथ क्या क्या करते हैं, और एक इसके अंदर ग्रेफाइन ऑक्साइड करके एक ऐसा केमिकल इन्होंने डाला है जो आपकी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली एक सर्किट बना लेता है ताकि आप ग्रिड के साथ कनेक्ट हो सकें। ग्रिड से मेरा मतलब है ये सैटेलाइट के थ्रू आपकी बॉडी के साथ कॉन्टेक्ट बनाना चाहते हैं, जैसे मोबाइल फोन टावर्स के साथ कनेक्टेड है, माइक्रोवेव
फ्रीक्वेंसीज के थ्रू रेंज पकड़ते हैं हमारे फोन, ऐसे ही अब ये फोन से हटके आपकी बॉडी को ही एक फोन बनाना चाहते हैं जिसको सैटेलाइट से वो कंट्रोल कर सके। और ऐसी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड इलीट के पास आ चुकी है जिससे कि आपके थॉट्स के पैटर्न को वो अल्टर कर सकें और आपके थॉट्स के पैटर्न को वो चेंज कर सकें थ्रू सर्टेन फ्रीक्वेंसीज जो सैटेलाइट्स के थ्रू आपके ऊपर छोड़ी जाएंगी। तो लेट्स से आप वो चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लो फील करें, तो लो फ्रीक्वेंसी वो वहाँ से अगर छोड़ेंगे और आपकी बॉडी के अंदर अगर ग्रेफाइन ऑक्साइड है और वो सर्किट बन चुका है आपकी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली, तो आप बहुत इजीली कंट्रोल हो जाओगे। आप आपके थॉट्स को भी वो जिस टाइप के थॉट्स चाहते हैं वैसे थॉट्स आपके अंदर आ जाएंगे। इसको अगर एग्जांपल से समझाऊं तो मैट्रिक्स मूवी आपने जरूर देखी होगी, तो एजेंट स्मिथ जो नियो के अपोजिट में खड़ा है, नियो द वन, नियो के अपोजिट में जो मैट्रिक्स के अंदर एजेंट स्मिथ खड़ा है, आपने देखा होगा वो किसी भी नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी को हाईजैक करके एजेंट स्मिथ बन जाता है, ठीक है। तो दिस इज समवट सिमिलर टू दैट कि वो ये कली का ऐसा जाल है कि कली चाहता है ज्यादा से ज्यादा आत्माएं नेगेटिव जोन में रहें, अधर्म की तरफ रहें, इविल साइड की तरफ रहें, और उनको मैं अपने मुट्ठी में रखूं, अपने कंट्रोल में रखूं, जैसा मैं चाहूं वो वैसा करें, वो मेरी कठपुतली की तरह एक्ट करें, वो मेरे एजेंट्स की तरह एक्ट करें, मैं किसी के थ्रू भी वहां तक पहुंच जाऊं जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। तो अभी ये गेम उस स्टेज पे है कि आपको वो इस तरीके से कंट्रोल करना चाह रहे हैं, इस तरीके से आपको टोटल कंट्रोल, दिस इज टोटल कंट्रोल, वो जो चाहेंगे आप वो करोगे क्योंकि वो आपके सिस्टम को उस तरीके से चेंज कर रहे हैं, आपके जीन्स को, आपके डीएनए को वो ऑल्टर कर रहे हैं। और जीन डीएनए ऑल्टरिंग टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है और इन ये लोग उसको इस तरीके से यूज कर रहे हैं। मे भी हर कोई इस बात को ना समझ पाए अभी, क्योंकि ये इतनी आसान बातें नहीं है। हमने टेक्नोलॉजी अपग्रेड होते हुए देखी है, लेकिन रियल टेक्नोलॉजी जो इन्होंने डिस्कवर कर ली है वो इन्होंने जनरल पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं की है। हम नहीं जानते कि कितनी एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी इनके पास आ चुकी है। तो जब आपकी बॉडी में इतने हैवी केमिकल्स आते हैं, ग्रेफाइन ऑक्साइड आता है और पता नहीं कैसे कैसे केमिकल्स आते हैं, तो हर कोई, हर किसी की बॉडी, हर किसी का सिस्टम उसको अडेप्ट नहीं कर पाता है। किसी किसी को उसके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, और उसके वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स यही हैं कि हार्ट स्ट्रोक आ जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक आ जाएगा। जैसे मैं अपने फादर का एग्जांपल लूं तो उनको एक महीने के अंदर अंदर हार्ट अटैक आ गया था, और पहला ही हार्ट अटैक मेजर हार्ट अटैक था और ही कुडंट सर्वाइव। तो मैं चाहता हूं कि आपके साथ ऐसा ना हो। मेरे और भी काफ़ी लोग हैं, दोस्त हैं जिन्होंने ये बात नहीं सुनी और उन्होंने भी अपने घर के अंदर किसी ना किसी को खोया है, और धक्का लगने के बाद समझ आए तो फिर क्या ही समझ आई, है ना, वही बात है। तो लेट्स सी आगे कैसे रहेगा गेम। हमें बस अपना बचाव करते हुए चलना है, बिना डरे चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए अपनी साधना करते रहना है, बिकॉज बचेगा वही जो अपनी एनर्जीज को रेज करेगा, फ्रीक्वेंसीज को रेज करेगा, जो अपने साथ बैठेगा, अपने आप को जानेगा, आत्मा से जुड़ेगा, परमात्मा से जुड़ेगा। जो परमात्मा से जुड़ेगा वो हर चीज से जुड़ जाएगा, उसको परमात्मा हर चीज रिवील करेगा जो उसे रिवील होनी चाहिए, और धर्म के लिए वो फिर स्टैंड करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।